नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल AV008 पे। भाइयों आज ना मैं आपको गाड़ी दिखाने वाला हूँ। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। अब क्या है ना भाई, मतलब बड़ी गलत सी बात है, लोग पता नहीं इस तरीके से क्यों खुंदक निकालते हैं। और मैंने थोड़ा सा पता किया इस गाड़ी के बारे में, किसी भाई की गाड़ी है ये। मतलब भाई गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, कुछ लोग आए होंगे और आके, अब ये नहीं पता कि कौन आए थे कौन नहीं आए थे, इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है मेरे पास। बट ये देखो आप, पूरी गाड़ी डैमेज कर दी जिन भी भाई की ये गाड़ी है। नंबर वगैरह मैं इसमें नहीं दिखाने का आप लोगों को, बट बहुत ही गलत एक्ट है। ये देखो आप किस तरीके से इस गाड़ी को तहस नहस कर दिया, पूरे आपके बम्पर टूट गए। यहाँ पे आप चेकआउट करोगे, ये सब भी टूटा हुआ है, लाइट्स तोड़ दिए हैं इसकी, है ना, जो बोनट है ये भी डैमेज हुआ हुआ है, फ्रंट जो विंडशील्ड है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से डैमेज हो रखी है। यहाँ देखो आप, ये देखो आप, ठीक है, वट एवर जो भी रीज़न रहा होगा, शीशे तोड़ दिए इसके, नीचे की क्लैडिंग्स वगैरह सब टूटी पड़ी हैं इसकी, ये वाले आपके शीशे पूरे तोड़ दिए हैं इसके, ठीक है, ये जो रूफ रेल्स हैं ये उखाड़ दिए हैं इसकी, ओके। अब ये वाला शीशा भी तोड़ रखा है, यहाँ पे भी ये साफ दिख रहे होंगे आपको निशान, ठीक है। अब इधर देखो आप, यहाँ भी सब क्लैडिंग्स वगैरह टूटी पड़ी हैं, लाइट्स टूटी पड़ी हैं। इधर देखो आप, ये पुराना वाला है, NRG वेरियंट है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आते थे, अब तो क्योंकि 2 आते हैं। बट ये जो एक्ट है, मतलब सीरियसली ना, बड़ा दुख सा फील हो रहा है इसके बारे में मुझे। और बेसिकली ना मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एटलीस्ट खुंदक में ना, देखो जनरली ये ना तो किसी इंसान को नुकसान पहुँचाओ और ना किसी की गाड़ी को नुकसान पहुँचाओ। मतलब बेसिकली किसी इंसान को और किसी उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। खुंदक यार बड़ी गलत चीज़ होती है, ये चीज़ रखनी ही नहीं चाहिए लोगों को मन में। पता नहीं लोग क्यों रिवेंज लेते हैं, क्या रीज़न होता है, बहुत बहुत गलत एक्ट है। जिनकी ये गाड़ी है उन बेचारों को कितना दुख हुआ होगा, ठीक है, मुझे इतना दुख हो रहा है इसको देख के एज अ कार लवर। मतलब ये आप देखो, पीछे वाला भी तोड़ रखा है, ये आपकी कार, ये देखो ये तोड़ रखी सब, ठीक है। ये देखो आप इस तरीके से पूरे शीशे फैले पड़े हैं इसमें, ये लाइट्स टूटी पड़ी हैं, यहाँ पे आपको ये सब इम्पैक्ट दिख रहा होगा, इधर आपको इम्पैक्ट दिख रहा होगा, इधर भी शीशे टूटे हुए हैं, इधर भी शीशे टूटे हुए हैं, ओके। ये देखो आप, ये निशान दिख रहे हैं ना आपको, ये आपको उधर भी दिख रहे हैं और इधर भी दिख रहे हैं। इधर का जो मिरर है वो भी पूरा तोड़ दिया है इसका, यहाँ देखो आप जो ये वाला पार्ट है, और ये देखो आप अंदर से पूरा शीशा फैला हुआ है। मतलब खड़ी गाड़ी में इतना गुस्सा निकाला गया, बहुत गलत, बहुत ही एक्सेस में गलत चीज़ है ये। यहाँ आप इधर की तरफ आओगे ना तो ये देखो इस तरीके से, ठीक है, ये देखो आप नीचे की तरफ। मैं सिर्फ इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ना, एज अ ह्यूमन मैं सिर्फ एक मतलब एक रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से, सभी भाइयों से, कि ये जो रिवेंज वाली चीज़ है ना यार, ये मन में ना रखो। रिवेंज लेना मतलब कुछ काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत देर का गुस्सा होता है, गुस्से में हम लोग तहस नहस कर देते हैं और उसके बाद ये सब रिजल्ट्स होते हैं। तो गाड़ी में कोई पैसेंजर होते हैं उनके साथ भी ये एक्ट हो जाता तो कितना गलत होता। तो भाई सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि मेरा ये मैसेज जो है कि अपने जो अंदर एक इंसानियत वाली भावना है ना वो रखी जाए। ये ना एक मैसेज सबको फॉरवर्ड होना चाहिए, इंसानियत इंसान के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। लिटरली मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि इसको देख के मुझे कितना बुरा फील हो रहा है। एक मैसेज देना था मुझे। चलिए आप सब अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।